ऋषि कम कम रेडी विद द नेम्स. हाँ मुश्किल था पर करना पड़ा. आई कैन अंडरस्टैंड ऋषि, बट दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है. मैंने भी अपने करियर में कितने लोगों को निकाला है और मुझे भी निकाला गया था. बट सी हियर आई एम. और क्या पता बाहर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूँ. After all, they are trained by genius like you. So, कौन से हैं वो तीन नाम? इसमें तो छह नाम लिखे हैं. What? ऋषि, मुझे तुम्हारी टीम से सिर्फ तीन नाम चाहिए. बाकी टीम तो भूल जाओ. सर ये मेरी ही टीम के नाम है. What? You don't need a team at all. Rishi, we have no doubt in your hard work and efficiency. But तुम तीन लोग रख सकते हो. Company can afford them. क्योंकि बिना टीम के काम करना is impossible. Sir, I agree. और अगर ऐसी बात है तो आप कोई भी तीन नाम select करके आप ही cancel कर दीजिए. Okay, I'll do the needful. So it's पूजा भट्ट, रोहित शर्मा एंड अचल गुप्ता. ऋषि आई थिंक देर इज अ टाइपो. नहीं मैं लिस्ट डबल चेक करके लाया. नहीं बट इजंट इट पूजा गर्ग, रोहित गुप्ता एंड अचल शर्मा. ये सारे सरनेम मिसमैच्ड हैं. ऐसे तो एक साथ दो लोग टर्मिनेट हो जाएंगे. सर यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब रोहित ओके रोहित ऑन टाइम एफिशिएंटली डिलीवर कैसे करता है, क्योंकि शर्मा उसे रिसर्च में ब्रांडिंग में सपोर्ट करता है. पूजा की पीपीटीज पूरे ऑफिस में फेमस है, राइट? वी ऑल लाइक हर वर्क. लेकिन दैट्स बिकॉज भट्ट के क्रिएटिव इनपुट्स हैं उसमें, उसका विजन है. और विवेक और राशि को तो आपने खुद डायनेमिक डुओ का अवार्ड दिया है. सो सर दीज गाइज आर लाइक अ यूनिक कॉम्बिनेशन. साथ में काम करते करते ये टीम बन गए हैं. इन्हें अलग करना इज नॉट पॉसिबल सर. ऋषि कट टू द चेस. ओके ऑल इन या ऑल आउट. व्हाट? या तो सब रहेंगे या सारे के सारे जाएंगे. व्हाट आर यू सेइंग? इट डजंट वर्क लाइक दैट ऋषि. आई एग्री सर, इट डजंट वर्क. आई एग्री. आप ही ने कहा था कि टीम के बिना मैं फंक्शन नहीं कर सकता. एंड यू आर राइट. Because I believe there's nothing called half a team. It's a complete team, sir. Because that's why it's called teamwork. और जब मेरी टीम ही नहीं होगी तो मैं लीड किसे करूँगा? In fact, मैं इस लिस्ट में एक नाम और ऐड करना चाहूँगा, प्लीज. तू बैठा क्या अच्छा के पास? क्या कर रहा था? कॉफी पीने जा रहा हूँ. यू वांट? आई वांट एन एक्सप्लेनेशन. अंदर क्या कांड करके आया तू? रात क्या देख के सोया था भाई? चंदे देखी थी या लगा ने? ये टीम टीम क्या लगा रखा तूने? तू लीडर है भाई, यूनियन लीडर वाले काम क्यों कर रहा है तू? तुझे पता है मिस्टर दास का बीपी कितना हाई हो गया तेरी वजह से? मेरी वजह से? यार दिस इज नॉट अ जोक. एंड प्लीज यार डोंट मेक दिस अगली. ऋषि तेरे बीवी है, बच्चा है, जस्ट उनके बारे में सोच भाई. जस्ट गिव अस थ्री नेम्स एंड लेट्स क्लोज दिस. तो क्यों सुपर हीरो बनना है भाई? देख इंसान या तो सुपर हीरो हो सकता है या फैमिली मैन. है, आई डोंट एग्री. अच्छा तो मेरे को तू एक ऐसा सुपर हीरो बता जिसके बीवी बच्चे हो. क्रिश. देख ऋषि, क्रिश नहीं भाई, गांधी जी का बंदर बन और मैनेजमेंट के ऑर्डर्स फॉलो कर चुपचाप. और इसी में ना सबकी भलाई है. तू राइटी या लेफ्टी? क्या राइटी या लेफ्टी? सेकंड कर. देखा, राइट हैंड उठाया पर खाना तू लेफ्ट हैंड से खाता है, लिखता तू लेफ्ट हैंड से. क्यों भाई? क्या बोल रहा तू? सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बड़ी, हमेशा सपोर्ट. अब मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ. कॉफी अलग, दूध अलग, पानी अलग, चीनी अलग. मजा थोड़ी आएगा, मजा साथ में. टीम वर्क.
मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ऑल इन या ऑल आउट, टीम साथ में रहेगी तो बेटर है बस। भाई तू सुन नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। यार मैं वही सुन रहा हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ। ऑल राइट ठीक है, जस्ट गिव अस वन डे एंड वी विल गेट बैक टू यू। टेक योर टाइम, कॉफी पिएगा? ऋषि put us in a soup. Hi. Hi. Kya hua? Ho gaya. Kisko nikala? Nikal diya bas. Listen, tumne Vivek ko to nahi nikal diya na? Kyun? Yaar Shruti meri friend hai na. Kitna bura lagega mere husband ne uske husband ko naukri se nikal diya. Nahi, main tumhare personal gains ke hisab se to logo ko nikal nahi sakta na. You only told me I have to think clinically like a doctor. मतलब तुमने विवेक को निकाल दिया? अरे यार, दो दिन और रुक जाते ना। परसों किटी पार्टी है, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी श्रुति को? यही मुंह दिखाना, स्माइल करते हुए शान से। सर उठा के जाना, विवेक को नहीं निकाला। Really? Thank God. पर फिर किसको निकाला? हवा। हवा निकाल दी मैंने मैनेजमेंट की। मतलब? मतलब उनको बता दिया कि ऋषि बहल उनमें से नहीं है जो सर झुका के जिए, और उन्होंने ऋषि को इसीलिए हायर किया है बिकॉज दे रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। मैंने उनकी चाल उन्हीं पे चल दी। कैसे? चेक एंड मेट, सिंपल, कोई कहीं नहीं जा रहा। ओह चलो गुड। तो अगर ये नौकरी बचाओ आंदोलन खत्म हो गया है तो अपनी हॉलीडे ट्रिप प्लान कर सकते हैं? यस, आई नीड सम फ्रेश एयर एंड गुड फूड यार। तो कहाँ चले? कश्मीर? ना ना ना, लेट्स गो इंटरनेशनल, बाहर चलते हैं। तुम बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? अरे बिल्कुल भी नहीं, जहान बड़ा हो रहा है, he needs to see the world, he needs to explore. Let's go to Bangkok. No visa. ये तुम उसके लिए बोल रहे हो कि अपने लिए? It's a family trip. It's not some bachelor trip. तुम रहने दो, ट्रिप मैं प्लान करूंगी. And I'll plan an amazing trip. I'm sure. Hi guys. तो कैसा लग रहा है आपको हमारा ये नया सीरीज? Yes. All in या all out? Yes, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आप लोग को कि ऋषि के साथ क्या होने वाला है या ऋषि क्या करने वाला है, etc. etc. और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। और हमारे पास एक कॉन्टेस्ट भी है। कॉन्टेस्ट क्वेश्चन इस बार ये है कि ऋषि ऑफिस से घर आते वक्त रोहिणी के लिए क्या लाने वाला था? क्या लाने वाला था आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और एक लकी विनर को मिलेगा SIT मर्चेंडाइज। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अ लॉट मेनी मोर एपिसोड्स ऑफ ऑल इन या ऑल आउट स्ट्रीमिंग सून। दिस इज बोथ ऑफ अस साइनिंग आउट, लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। ऑल आउट, ऑल आउट बोलते हो ना उसमें?